प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। पॉक्स को लेकर केंद्र की गाइडलाइन, 21 दिनों का आइसोलेशन और घावों को ढकना जरूरी, वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर निकाला गया। बिहार के 6 जिलों में एनआईए का छापा, टेरर मॉड्यूल को लेकर पटन में पीएफआई संरक्षक अतहर, दरभंगा में नरुद्दीन के घर पहुंची थी। उर्दू स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी तो परेशानी क्या है, जेडीयू एमएलसी बोले जो हो रहा है अच्छा है, बीजेपी ने बताया सांप्रदायिक जहर। कर्नाटक बीजेपी नेता हत्याकांड, नेता की मां बोली बेटे के हत्यारों को फांसी दो, सीएम ने सरकार की पहली सालगिरह के कार्यक्रम रद्द किए। केंद्र के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा, लोकसभा के पूरे सत्र से 50 से ज्यादा सांसद दे सकते इस्तीफा, तेलंगाना के सीएम इनके संपर्क में। राज्यसभा से सस्पेंड हुए 20 सांसद, धरने पर बैठे गांधी प्रतिमा के पास कर रहे प्रदर्शन, सदन में हंगामे करने पर हुई कार्रवाई। बिहार में साधु बने मुस्लिमों की पिटाई, हाजीपुर में बजरंग दल वालों ने पकड़ा तो बोले साधु बनकर कमाई हमारा पुश्तैनी धंधा। भारत में नए कोविड 19 केसों में 12.3% उछाल, 24 घंटे में 20,557 मामले, दिल्ली में एक महीने बाद 1,000 से अधिक केस आए सामने। इलाज में लापरवाही से दुनिया में सालाना 26 लाख मौतें, एनपीडीबी की रिपोर्ट में खुलासा, भारत में 67% गलत सर्जरी अनुभव डॉक्टर कर रहे। एमपी में स्कूल में छाता तान कर पढ़ाई को मजबूर नौनिहाल, सिवनी में सामने आया सिस्टम की बदहाली का वीडियो, जर्जर छत से टपक रहा बारिश का पानी। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर पर 18 घंटे चली ईडी की रेड, 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद। पीएम से बोली बच्ची, लोकसभा टीवी में नौकरी करते हैं, पहली बार मोदी से मिली उज्जैन के सांसद की बेटी, कहा मैं आपको जानती हूं। स्पाइस जेट के 50% विमान, 8 हफ्ते तक नहीं भरेंगे उड़ान, लगातार हादसे के बाद डीजीसीए का एक्शन, कंपनी को नोटिस भी भेजा था। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में 3 तरह के हमलों का अलर्ट, पीओके में साजिश और ट्रायल। मिथुन चक्रवर्ती का दावा, 38 टीएमसी एमएलए से अच्छे रिश्ते, कहा 21 सीधे मेरे संपर्क में, टीएमसी सांसद बोले वो मानसिक रूप से बीमार है। स्वतंत्र देव के इस्तीफे के बाद नया अध्यक्ष होता है, यूपी भाजपा के नए बॉस का ऐलान जल्द, पार्टी ओबीसी चेहरे पर लगा सकती है दांव। चित्रकूट में जादूगर ने करवाया अश्लील डांस, संत समाज ने जताया आक्रोश, कहा प्रशासन दे ध्यान नहीं तो करेंगे आंदोलन। तमंचे से धमकाकर ऑटो चालक से लूट, रात में लूटा, सुबह पकड़ा गया ड्राइवर ने, बदमाश को दूसरी वारदात करने से पहले ही दबोचा। कोलकाता से लेह लद्दाख की यात्रा पर निकला दिव्यांग उज्ज्वल, साइकिल से कर रहा यात्रा, सड़कों के किनारे पौधे तैयार करना लक्ष्य, बो रहे बीज।
कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी गोली लगने से घायल, दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार। ₹65 लाख लेन देन में जेई ने पत्नी बेटी संग किया सुसाइड, लेटर में लोन बेइज्जती और चार आरोपियों का जिक्र, पड़ोसी से कहा था आज आखिरी दिन। आजमगढ़ के जेलर, डिप्टी जेलर समेत 4 सस्पेंड, जेल को बनाया पिकनिक स्पॉट, 5,000 में मोबाइल, 900 में शराब और 25 में गुटखा। पंचर न जोड़ने पर मिस्त्री से मारपीट, थाना शाहगंज क्षेत्र में दबंग युवक ने साथियों को बुलाकर के पिटाई, घटना सीसीटीवी में कैद। गाजीपुर में सूखे माइनर को लेकर किसानों में बढ़ रहा आक्रोश, सिंचाई के अभाव में कई गांवों की बर्बाद हो रही खेती, सीएम से भी लग चुकी गुहार। बुलंदशहर में 123 किसानों पर एफआईआर, ट्यूबवेल से मीटर उखाड़ने पर पावर कॉरपोरेशन ने करवाई कार्रवाई, भाकियों ने किया आंदोलन का ऐलान। बाराबंकी के हुक्का बार में पुलिस का छापा, ऐश करते मिले दो 24 वर्षीय नाबालिग, कई लड़के लड़कियां मौके से फरार। आगरा में घर के बाहर टहलती महिला से चेन स्नैचिंग की घटना, महिला दरोगा की पत्नी, बच्चा गोद में था, बदमाश ने चेन खींची, 12 सेकंड के बाद भाग निकला। ग्यारह साल की बच्ची से अश्लीलता, चार आरोपियों ने बच्ची की मांग में भरा सिंदूर और दो गिरफ्तार। बिजनौर में मामूली विवाद को लेकर मारपीट, चार घायल, बच्चों के खेल को लेकर हुआ था विवाद। हमीरपुर में उफनते नाले में बहे बुलेरो, तेज हवा बहाव में बह गया 3 साल का मासूम, बाकी लोग सुरक्षित, बच्चे का रेस्क्यू जारी। कन्नौज में तीसरी नजर से होगी अपराधियों की निगरानी, आमजन के सहयोग से चौराहों और तिराहों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बांदा में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की हत्या, जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं आरोपी, लाठी डंडों से परिवार पर किया हमला। मेहंदावल में शिक्षक की भूमिका में नजर आए डीआईओएस, क्लास में बच्चों ने सवाल का दिया सही जवाब, मनमोहन शर्मा ने मेहनत से पढ़ने की दी सलाह। उन्नाव में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, संक्रमित पाए जाने पर लखनऊ भेजा जाएगा सैंपल, बचाव के बताए उपाय। अम्बेडकर नगर के जिला अस्पताल में एक भी ईएमओ नहीं, 6 डॉक्टरों का हुआ ट्रांसफर, रोजाना 800 से ज्यादा की है ओपीडी। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की कार्रवाई, मथुरा में आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के यहां मारे छापे। बदायूं में सपा विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, बिसौली विधायक ने बिजली घर पर एसएसओ से की थी मारपीट, वीडियो आया सामने। वाराणसी में जीएसटी अधिकारियों पर हमला, व्यापारियों ने अधिकारियों को खदेड़ा, कहा नहीं करेंगे अमृत महोत्सव का समर्थन। मिर्जापुर में प्रतिभा खोज में नहीं मिले रामलीला के पात्र, 2 दिन तक के कार्यक्रम में मिले महज 1 सितारा वादक, 46 ने दिखाई प्रतिभा। शामली में मामा भांजू समेत 4 की मौत, 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से टकराई बाइकें, 2 शामली और 2 सहारनपुर के रहने वाले थे।
बरेली में पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या, ट्रक से डीजल चोरी कर रहे थे, मैनेजर ने देख लिया तो मार दी गोली। गोरखपुर के पीएनबी बैंक में लगी आग, सारा सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। पूर्वांचल एक्सप्रेस से आरपीएफ और जीआरपी ने पकड़े 101 कछुए, 8 लाख बताई गई कीमत, रेलगाड़ियों में शराब की हो रही थी तस्करी। इमरान मसूद का अखिलेश पर निशाना, बोले मुझसे कहा गया था कि चुनाव नहीं लड़ना, कितनी कुर्बानी दू बीजेपी को, हराने में अपना नेता मार दिया। फतेहपुर में दिखा टाइगर, वन विभाग ने मानने से किया इनकार, बोले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। उत्तराखंड में कहीं बारिश तो कहीं छाए बादल, बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे बंद। उत्तराखंड में 15 मिनट में पूरा होगा दून मसूरी का सफर, बनेगा एशिया का सबसे बड़ा रोपवे। उत्तराखंड में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, 284 नए संक्रमित मिले, 1301 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की हत्या के आरोप में 6 युवक गिरफ्तार, 2 गुटों में हुआ था खूनी संघर्ष। उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए चलेगा जागरूकता अभियान, गर्भवती महिला को प्रेरित करेगी आशाएं। उत्तराखंड में अब जोली ग्रांट एयरपोर्ट तक लीजिए इलेक्ट्रिक सामान, बस में सफर का आनंद, मुख्यमंत्री धामी ने दिखाई हरी झंडी। हल्द्वानी जेल में पति की हत्या, दिहाड़ी कर मां 5 बच्चों को पाल रही, राशन कार्ड और विधवा पेंशन तक नहीं मिली। उत्तराखंड के मलिताल नैनीताल में लैंड यूज के संबंध में सिंगल आवासीय मद को स्वीकृति, विधानसभा सत्रवास को मिली मंजूरी। नर्सिंग भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर सचिवालय कूच, आक्रोशित प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। पीएम ऋण योजना के नाम पर ठगी करने वाले 2 कॉल सेंटर पकड़े गए, 2 युवकों और युवतियों समेत 5 लोग चढ़े पुलिस के हाथ, 1 फरार। उत्तराखंड के 2 डेयरी से 3 लाख की चोरी करने वाला आरोपी दबोचा गया, पुलिस ने रकम और बाइक भी बरामद की। उत्तराखंड में 450 लैपटॉप और डेस्कटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए, फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर दबिश के दौरान एसटीएफ ने किए थे सील। नैनीताल सहित कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 30 जुलाई तक पर्वतीय इलाकों में जमकर होगी बरसात। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में 36 प्रस्तावों पर मोहर, एम्स की ब्रांच के लिए निःशुल्क दी जाएगी 100 एकड़ जमीन। उत्तराखंड के खटीमा में निर्माणाधीन दुकान का लिंटर ढहने से मलबे में दबे 2 मजदूर, 1 को निकाला, दूसरे के लिए रेस्क्यू जारी। सोमालिया में ब्लास्ट, अलग अलग बम हमलों में 19 लोगों की मौत, 23 घायल, आतंकी संगठन अल शबाब ने ली जिम्मेदारी।
सेक्सुअल पार्टनरों की संख्या कम करें मॉन्की पॉक्स के बड़े मामलों के बीच WHO की सलाह। रूस का समर्थन करने पर भड़का यूक्रेन, जेलेंस्की ने सैम पित्रोदा समेत 3 भारतीयों को किया ब्लैकलिस्ट। यूक्रेन के 100 से ज्यादा हिमार्स रॉकेट तबाह, रूस का दावा डर का सबूत या ताकत का प्रदर्शन। इमरान खान की PTI पहुंची सुप्रीम कोर्ट, शरीफ सरकार को बर्खास्त करने की मांग। इराक की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, ईरान समर्थक PM कैंडिडेट का विरोध, एक मौलवी के हाथों में है आंदोलन की कमान। जापान में इन इक्वालिटी, अपनी ही सरकार पर बरसी जापानी मंत्री, बोली राजनीति में महिलाओं से भेदभाव, इससे इकोनॉमी प्रभावित। ऋषि सुनक के बयानों पर बिफरा ड्रैगन, चीन ने कहा हमें खतरा क्यों बताया जा रहा है, ब्रिटेन के मामलों में दखलंदाजी नहीं करते। काबुल गुरुद्वारे पर फिर हमला, गुरुद्वारे करते परवान साहिब के गेट पर ब्लास्ट, 2 दिन पहले ही तालिबान ने दिलाया था सुरक्षा का भरोसा। व्लादिमीर पुतिन की तबीयत अचानक बिगड़ी, रात 1 बजे इलाज के लिए दौड़ पड़ी डॉक्टरों की फौज। सोने चांदी की कीमत में शानदार तेजी, चांदी में 1000 रुपए से ज्यादा की तेजी, सोना फिर 51,000 के पार निकला। बढ़ने लगी 2-व्हीलर्स की बिक्री, कारें पहले ही कोरोना के प्रभाव से मुक्त हो गई थी, अब 2 साल बाद लौटे 2-व्हीलर्स के अच्छे दिन। गूगल स्ट्रीट व्यू भारत में लॉन्च, स्पीड लिमिट, सड़क पर चल रहे काम की जानकारी मिलेगी, किस सिटी में पहले मिलेगा फायदा ये जल्द ही सामने आएगा। टाटा मोटर्स अप्रैल जून तिमाही रिजल्ट, कंपनी का घाटा बढ़कर 5,006 करोड़ पर पहुंचा, 8.3% बढ़ी आय। सोशल मीडिया पर सरकार का शिकंजा, 1.5 साल में 4,000 से ज्यादा ट्वीट डिलीट कराए, 2014 में ऐसे सिर्फ 8 मामले थे। अप्रैल जून में मकानों की कीमतें 15% बढ़ी, नोएडा में 87% ज्यादा नए मकान बने। BSNL के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कैबिनेट ने दी मंजूरी। मॉनसून की एंट्री के बाद देश में घटे सरिया के दाम, 2 हफ्तों में 4,500 रुपए प्रति टन तक नीचे। क्रिप्टो करेंसी को लेकर IMF ने दी चेतावनी, कहा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ सकती है और भी बुरे दिन। ईथरम व्हेल्स की बड़ी ट्रांजैक्शन से शिबा इनू के प्राइस में मामूली तेजी, बड़ी खरीदारी करने के कारण कुछ आई तेजी। अंग्रेजों के घर में गोल्ड जीतने के लिए पसीना बहा रही विमेन ब्रिगेड, प्रैक्टिस का वीडियो आया सामने, याशिका भाटिया बोली गोल्ड के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका पर निकाली भारत से हार की भड़ास, पहले 234 स्कोर खड़ा किया, फिर 41 रनों से जीता मुकाबला, मैच में 29 छक्के छाए।
एक दिन पहले बने बाहुबली, अगले दिन गेंदबाजों के छुड़ाए छक्के, जॉनी बेरिस्टो के बल्ले का कहर जारी। पहले ओवर में मोहम्मद सिराज का रौद्र रूप देख विंडीज फैंस के उड़ गए होश, लगातार दो विकेट से चौंकाया। सचिन, सहवाग, गावस्कर वाली लिस्ट में शामिल हुए शुभमन गिल, शतक नहीं मार पाने के बावजूद बनाया रिकॉर्ड। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, तीसरे वनडे में 119 रन से जीता भारत। वेस्टइंडीज को 39 साल में पहली बार उसके घर में क्लीन स्वीप किया। पाक का टी20 वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिंकी पोंटिंग की भविष्यवाणी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। वॉल्च की बॉल पर गिल ने मारा 104 मीटर का छक्का, स्टेडियम के बाहर गिर गई बॉल, शुभमन भी देखते रहे। शोएब अख्तर ने बताया कब रिलीज होगी उनकी बायोपिक, पोस्टर भी जारी किया। रावलपिंडी एक्सप्रेस का पोस्टर जारी। सीडब्ल्यूजी की ओपनिंग सेरेमनी में सिंधु थामेंगे तिरंगा, चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह होंगी भारत की ध्वजवाहक, रात 11:30 बजे शुरू होगा समारोह। संकेत का फनी वीडियो आया सामने, संकेत भोसले ने मिमिक्री भरे अंदाज में अजय देवगन और सलमान खान की आवाज में गाया केसरिया संग। रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर पर विवेक अग्निहोत्री का रिएक्शन, बोले महिलाओं की बोल्ड तस्वीरें क्या पुरुषों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। दोबारा का ट्रेलर आउट, तापसी पन्नू की दोबारा फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, मिस्ट्री और थ्रिल से भरपूर होगी फिल्म। भाईजान का वायरल वीडियो, सलमान खान ने अपने मेकअप आर्टिस्ट राजू नाग का बर्थडे सेलिब्रेट किया, फैंस हुए इंप्रेस। मलयालम एक्टर को केरल पुलिस ने किया गिरफ्तार, विनीत थातिल पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का आरोप। बवाल होगी वरुण की अब तक की सबसे महंगी फिल्म, रोजाना शूटिंग पर हो रहे 2.5 करोड़ रुपए खर्च, जर्मनी से आए हैं एक्शन डायरेक्टर्स। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा फैसला, 1 अगस्त से फिल्मों की शूटिंग बंद होगी, इंडस्ट्री की रीस्ट्रक्चर करने के लिए ये लिया गया फैसला। प्रेम चोपड़ा के निधन की उड़ी अफवाह, दिग्गज एक्टर बोले मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे सुबह से मेरी तबीयत को लेकर कई कॉल्स आ चुके हैं। गदर 2 स्टार हुए चोटिल, सनी देओल को शूटिंग के दौरान हुई थी बैक इंजरी, यूएस में चल रहा एक्टर का इलाज। सोनाक्षी सिन्हा ने किया नई फिल्म का अनाउंसमेंट, शेयर किया निकिता राय का फर्स्ट लुक पोस्टर, भाई कुश के डायरेक्शन में बन रही है फिल्म। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।